वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने कल का वीडियो आपको अपलोड किया था, क्लास 9 का सेकंड चैप्टर टिश्यू, और उसमें आपने इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन यानी टिश्यू के इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझी होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो उसी का आपका सेकेंड वीडियो लेकर के आई हूँ, सेकेंड चैप्टर का, ठीक है। तो उसके आगे का पार्ट है आपका, क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू ही पढ़ा था। हमने कहा था आपको जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। तो लेकर के आए हैं टिश्यू का आपका पहला पार्ट, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब पहला डिवीज़न। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। तो हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका जब हम बीज को बोते हैं, बोया जाता है, तो बीज से आपके छोटा सा पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे बड़ा पौधा, फिर उसके बाद पेड़ बन जाता है। तो जो ये प्रक्रिया पूरी हुई आपकी, यानी कि प्लांट की पूरी लाइफ प्रोसेस हुई, तो जो ग्रोथ हुई प्लांट की, वो ग्रोथ आपका करता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, वही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट के किन किन रीजंस पे पाए जाते हैं, किन किन प्लांट के किस जगह पे पाए जाते हैं, आइए हम जानते हैं कि ग्रोइंग रीजंस पे पाए जाते हैं आप प्लांट के रूट एंड शूट, रूट के उस एरिया पे पाए जाते हैं और शूट के। तो रूट का तो पता है आपके कि लैटरल मेरिस्टम दिख रहा होगा, ये जो आपके टाइप दिख रहे हैं इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके रूट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका शूट एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि अपर पार्ट पे पाए जाते हैं, ठीक। शेप स्फेरिकल, ओवल और रेक्टेंगुलर शेप होते हैं, यानी कि जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू का शेप है वो थ्री टाइप्स का हो सकता है, स्फेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होता है। पहली बात तो हमको ये जानना है कि ये स्पेसेस होते क्या हैं। हमारा जो टिश्यू है, आपको भी पता है, वो मल्टी सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। जब ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज होती हैं, यानी कि एक साथ आने के लिए एक टीम बनाती हैं, तो उनके बीच में कुछ स्पेस हो जा रह जाते हैं, कभी रह जाते हैं, कभी नहीं रह जाते हैं। तो इनमें क्या हुआ है कि जो सेल्स हैं उनके बीच का स्पेस एब्सेंट है, यानी कि जो सेल का अरेंजमेंट है वो क्या है, बहुत ही डेंस है। देखिए, आई एग्जांपल के, तो देखिए, एक हमारा ये टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू क्या है, अब इसमें क्या है, हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं, कभी कभी ऐसे होती हैं, कभी कहीं ऐसे भी हो जाती हैं, है ना, ऐसे। तो ये जो बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, इन्हीं को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तब भी नहीं समझ में आता, सुनिए, इंटर का मतलब होता है मध्य, क्या होता है, मध्य होता है। सेलुलर का मतलब पता ही है आपको, कोशिका, या इंग्लिश में हम बोले फिर से वही सेल्स, ठीक है, यानी कोशिका के मध्य का क्या होता है, स्पेस, स्पेस बोला है ना, इंटर सेलुलर स्पेस। तो कोशिका के मध्य की जगह को, इनके बीच की जो स्पेस, इनके बीच की जो जगह है, तो हम अब जान सकते हैं ना कि सेलुलर मतलब सेल्स और इंटर मतलब उनके बीच, सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो इनमें क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। वैक्यूल्स एब्सेंट है, वैक्यूल्स भी एब्सेंट है। वैक्यूल्स का काम क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का और सपोर्ट देने का। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए और कोई स्टोरेज के लिए फंक्शन करना भी नहीं है, तो इसलिए ये एब्सेंट है। इनमें सेल्स जो होती हैं वो एक्टिव होती हैं, एक्टिव होना मस्ट है, क्योंकि इनका काम है ग्रोथ करना, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो इनके सेल्स हमेशा एक्टिव ही होना चाहिए, क्योंकि सेल डिविजन इनको रेगुलर या कंटिन्यूस करना ही करना है। साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होता है, यानी गाढ़ा होता है। सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होगी, क्योंकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं क्यों, क्योंकि इसमें आपके लगातार सेल डिवीज़न होता है। अब हमारा जो सेल डिवीज़न होता है, हमने सेल डिवीज़न काफ़ी डीपली में पढ़ा था, मियोसिस एंड माइटोसिस, आपका जो फर्स्ट चैप्टर का है वो आपकी वीडियो अपलोडेड है। मियोसिस और माइटोसिस में लगातार होता रहता है डिवीज़न, और डिवीज़न किसका होता है, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में अंदर प्रेजेंट
क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हमारा डीएनए एंड जीन्स का होता है। तो जैसे ही न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं, वो भी अभी क्रोमोसोम्स भी आपके क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। पहले उनकी कॉपी बनती है, देन उनका डिवीज़न शुरू हो जाता है। तो न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होंगे तभी तो सेल का डिवीज़न होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी सेल डिवीज़न ही होगी। तो ये देखिए, इसमें सेल डिवीज़न भी पड़ा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी जो प्लांट बना हुआ है, इनमें कहाँ कहाँ आपके मेरिस्टम पाए जाएंगे, मेरिस्टमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। तो जो लेटरल है, यानी कि रूट के नीचे का भाग कहा गया है, उसमें आपके लेटरल मेरिस्टम पाए जाते हैं। हमने मेरिस्टमेटिक के तीन पार्ट पढ़े थे, बताया था आपको, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लेटरल मेरिस्टम से। लेटरल मेरिस्टम आपके रूट के एरिया पे पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम हमारे लीफ के नोड के बीच में पाए जाते हैं, और उन दोनों नोड के बीच के स्पेस जो इंटर नोड होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। अभी समझाती हूँ इंटर नोड नोड क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टम आपके शूट के एपेक्स पे पाए जाते हैं, यानी प्लांट के टिप पे पाए जाते हैं, एंड रूट के टिप पे भी पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टम है ये आपके प्लांट के टिप की ग्रोथ करते हैं एंड आपके रूट के टिप की ग्रोथ करते हैं। एपिकल मेरिस्टम आपके शूट के टिप की ग्रोथ और रूट की टिप की ग्रोथ करते हैं। इनका नाम है एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए प्लांट है कोई, ठीक है, और यहाँ पे हमने लीफ निकाल ली, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ लीफ निकाल ली, है ना, फिर ऐसे कैसे लीफ निकलती रहती है, बनाए होंगे पौधा आपने, ड्राइंग की होगी। तो जो इनके बीच ये एक अब निकलना हुआ, एक ये निकलना हुआ, यहाँ पे भी देखिए बना हुआ, हमने बनाया भी है ये स्पेस, और ये जो आपको दिख रहा है ये इसे कह लेते हैं नोड, इसे कहते हैं नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं, एंड इनके बीच जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटर नोड, इसे बोलते हैं इंटर नोड। यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये लीफ की ग्रोथ करते हैं, यानी कि लीफ का पेस बढ़ाते हैं और इंटर नोड की ग्रोथ को भी रिस्पॉन्सिबल करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। ये आपका जो लेटरल मेरिस्टम है ये रूट की ग्रोथ तो करता ही करता है, प्लस आपका लेटरल मेरिस्टम जो है आपकी यहाँ तो बताया गया है, ये आपके पेड़ों की छाल के नीचे पाया जाता है। जो लेटरल मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम पेड़ की जो छाल होती है उसके नीचे पाया जाता है, और ये प्लांट की जो स्टेम होती है इसकी चौड़ाई को बढ़ाता है, गर्त को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो आपका जो प्लांट है वो दो तरीके से ग्रोथ करता है, एक तो करता है वर्टिकली, यानी शूट बढ़ता है और रूट भी बढ़ती है। जब रूट नीचे एकदम डीपली जाएगी, स्ट्रांग हो, तभी तो हमारा प्लांट क्या होगा, एकदम जड़ से मजबूत होगा ना, कहते अभी जड़ से मजबूत नहीं हो क्योंकि इसकी रूट की ग्रोथ नहीं हुई है। अब आपके जब रूट की ग्रोथ होती है और शूट की ग्रोथ होती है तो हमारा स्टेम क्या होता है, स्टेम की ग्रोथ होती है। अब उसके बाद जब शूट एंड रूट की ग्रोथ होगी तो हमारे इसकी ट्रांसवर ग्रोथ भी तो होगी, यानी कि इसकी चौड़ाई भी तो बढ़ेगी। तो वर्टिकल ग्रोथ यानी लंबाई जब बढ़ती है तो उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और जब चौड़ाई बढ़ती है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब लिखा क्या है उसको हम समझ लेते हैं। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट शूट एंड रूट एपेक्स, हमने बताया कि आपके शूट के एपेक्स यानी एपिकल एंड पे पाया जाएगा और रूट के एपिकल एंड पे पाया जाएगा। इंक्रीजेस लेंथ ऑफ रूट एंड शूट, स्टेम की आपकी शूट की लेंथ और रूट की लेंथ दोनों को बढ़ाएगा। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, बार्क के नीचे एरिया पे पाया जाता है। ठीक है, इंक्रीजेस गर्थ ऑफ रूट और स्टेम, आपकी रूट और स्टेम की चौड़ाई को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटर नोड्स यहाँ पे पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंक्रीजेस लेंथ ऑफ ऑर्गन, आपके लीव्स एंड इंटरनोड्स, ये लीव्स के जो यहाँ पे ऑर्गन बोला गया है क्योंकि प्लांट का जो ऑर्गन होगा वो लीफ होगा और स्टेम ही होगा ना, तो इनके ऑर्गन को बढ़ाता है, यानी कि लीफ और इंटरनोड की चौड़ाई को या लंबाई को बढ़ाता है। तो आई होप कि आपको पूरा मेरिस्टमेटिक टिश्यू समझ में आया होगा। एक बार हम
ऐसे ही रिवीजन कर लेते हैं कि ये ग्रोइंग रीजन्स पे आ जाते हैं, रूट एंड शूट एरिया में पाए जाते हैं। इनका शेप स्फेरिकल, ओवल एंड रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है। इनके जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स ऑल्सो एब्सेंट इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। इनकी सेल्स होती हैं, एक्टिव होती हैं, इसमें न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है और सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है और आपके सेल डिविजन्स होते रहते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। लैटरल टिश्यू आपके लैटरल मेरिस्टेम जो आपके होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो आपके रूट एंड शूट या आप कह सकते हो बार्क के नीचे लेयर पे पाए जाते हैं और इनकी चौड़ाई यानी विथ की चौड़ाई के लिए इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी एपिकल मेरिस्टेम रूट के एपेक्स पे एंड शूट के एपेक्स एंड रूट के एपेक्स पे पाए जाते हैं और उनकी ही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इंटरकैलरी आपके स्पेस क्या होते हैं, इंटरकैलरी जो आपका नोट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपकी लीफ के नोट्स पे और इंटर नोट्स पे पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो आपकी परमानेंट टिश्यू के लिए आएगा। तो वेट पे रहिए और वेट करते रहिए और जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जाके देखिए, तभी ये वीडियो भी आपको क्लियर हो पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब। आप आगे बढ़ाएंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप साथ में भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।